अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, और आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। और अभी जो है मैं वो आप देख सकते हैं ब्लू मॉस्क के सामने खड़ी हूँ, और आज ईद का पहला दिन है इस्तांबुल में, एंड द डेट इज़ 31 जुलाई 2020। रियली एंजॉइंग द ईद डे, बहुत अच्छी इवनिंग है और थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है, एंड द सीनरी इज़ अमेजिंग, द डे इज गोइंग रियली वंडरफुल। और ये देखें ब्लू मॉस्क का खूबसूरत मंजर और खूबसूरत इवनिंग। और आज जो है हम टर्किश लोगों को भी देखेंगे, टर्किश लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर मुझे अभी तक जितने भी लोग नज़र आए हैं वो कैजुअल ड्रेसिंग में नज़र आए हैं। बहुत कम यहाँ पर लोगों ने जो एक टर्किश कल्चर को रिप्रेजेंट करती है ड्रेसिंग, वो बहुत कम लोगों ने की हुई है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर लोग अपने कम्फर्ट जोन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और मोस्टली लोगों ने कैजुअल ड्रेसिंग इस वजह से भी की हुई है। इवन ईद नमाज पर भी हमने ये नोट किया था कि बहुत लोगों ने पेंट शर्ट को ही प्रेफर किया था। और ये आप व्यू देख सकते हैं, द ओवरऑल व्यू, ये आया सोफिया का व्यू है और उसका फ्रंट जो एक जो है सेंटर जहाँ पर अभी मैं खड़ी हूँ, एंड पीछे जो है वो आप ब्लैक सी देख सकते हैं। मैं जो है वो सबसे अनोखी लग रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत फैंसी पाकिस्तानी कपड़े पहने हुए हैं और यहाँ पर मुझे कोई ऐसा बंदा नज़र आया नहीं, आया कोई ऐसी बंदी नज़र नहीं आई जिसने इस तरह के कपड़े पहने हों। लेकिन आई लाइक टू रिप्रेजेंट माई कल्चर, सो मैंने प्रेफर किया कि मैं सलवार कमीज ही पहनूँ, एंड आई फील कम्फर्ट। चूंकि आज ईद का दिन था और उमेमा और नायन भाई भी हमारे साथ थे, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा फोटोशूट का भी मज़ा लिया जाए। और उनके कैमरा का फ़ायदा उठाते हुए अपने हमने अपना फ़ोटोशूट भी कर लिया। और ट्रस्ट मी, शादी के बाद मेरा ये अरमान था कि मैं ब्लू मॉस्क के सामने और आया सोफिया के सामने खड़े होकर खूबसूरत पाकिस्तानी लिबास में फ़ोटोशूट करवाऊँ अपने शोहर के साथ, एंड फ्यू विशेज़ कम ट्रू। और सीरियसली इस्तांबुल जो है ना वो एक पीस की सैंडल है, ब्रदरहुड की सैंडल है, इक्वालिटी की सैंडल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ब्लू मॉस्क है और मेरे सामने बिल्कुल आया सोफिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, एयर इट इज आया सोफिया। और आया सोफिया को रिसेंटली, जैसे आप सब जानते हैं, कि मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है, सो वी आर गोइंग टू विजिट दैट आल्सो। और सईद मुबारक। सोफिया, और ये आप इतनी लंबी लाइन जो देख रहे हैं ये उन लोगों की है जो अभी आया सोफिया अंदर जाना चाह रहे हैं मॉस्क में। और पहले जब ये म्यूज़ियम था तो आया सोफिया में अंदर जाना फ्री नहीं था, टिकट होती थी, लेकिन अब जब से ये मॉस्क बन गया तो आई थिंक इट इज़ फ्री टू गो। शहजाद बन गया जेंटलमैन। बच्चन खपे पुराने शहजाद मां जल्दी बेजार थी लिया फोटो अनवा शहजाद, तो मतलब मैं भी समा मैं भी सब खुश है लगे तो। शहजाद कैसी पिक्चर्स बना रहे हैं आप? आपको ये जब प्रिंट होगी ना तब आप रिजल्ट देखिएगा। अच्छा, रिजल्ट देखिएगा, बंदा होगा बंदी होगी नहीं। तो गाइस यहाँ पर वैसे तो मेरा लास्ट ईयर का भी एक्सपीरियंस है यहाँ पर ईद का, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और मज़ा आता है, लोग अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर।
और फुल सेलिब्रेशन होती है टर्किश डांसेस के साथ, टर्किश म्यूजिक के साथ, टर्किश फूड के साथ। और आज भी इस तरह की रौनक देखने को मिली। हम सोच रहे थे कि कोविड की सिचुएशन है, मे भी इतना एंजॉय ना कर पाए, लेकिन बहुत एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं और मज़ा आ रहा है। लेकिन प्रिकॉशंस भी सब ले रहे हैं, एवरीवन इज वेयरिंग मास्क। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी अच्छे प्रिकॉशंस लिए हैं, और इवन इफ यू आर नॉट वेयरिंग द मास्क तो आपके चालान भी लग सकता है। तो मज़ा आ रहा है काफ़ी, और अच्छे इंतजाम हैं, तो हम लोग काफ़ी रिलैक्स भी फील कर रहे हैं। सनसेट का टाइम हो रहा है और आप देख सकते हैं कि जब सूरज आया सोफिया पे पड़ रहा है, सो द व्यू इज़ रियली अमेजिंग। व्हेन आई सॉ इट मेरे मुंह से डायरेक्ट एक ही वर्ड निकला अभी, आया सोफिया इज मैजेस्टी। और कोविड की वजह से इन्होंने बहुत सख्त इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये इंतजाम पहले नहीं थे। दे आर चेकिंग ईच एंड एवरी वन, दे आर चेकिंग देयर टेम्परेचर्स, दे आर चेकिंग इफ एनी वन हैज़ मास्क और नॉट। सो आई लाइक द अरेंजमेंट्स। أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. सच कहते हैं इसका मूल रियल पीस। और अगर आपको सुकून चाहिए, अगर आप किसी सफोकेटेड माहौल से निकलना चाहते हैं, तो यू मस्ट कम एंड विजिट इस्तांबुल। और यहाँ का जो माहौल है इट्स रियली गुड। सिर्फ सिस्टम नहीं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, सिक्योरिटी सिस्टम नहीं, यहाँ के जो लोग हैं, इनका जो कल्चर है, इनकी जो सेलिब्रेशन है, इनकी जो प्लेसेस हैं, लाइक वर्ल्ड में ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पर आप इतना रिलैक्सिंग फील करेंगे, इतना कंफर्ट फील करेंगे। सो आई सजेस्ट सफोकेटेड माहौल से निकलें। जब भी अपनी लाइफ में तंग हो जाएं, किसी चीज़ से तंग हो जाएं, यू मस्ट कम एंड विजिट इस्तांबुल। लाइफ एक ही मिलती है, उसको इंजॉय करें, उसको एक्सप्लोर करें, दूसरी जगह घूमें। और अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आई रिकमेंड कि पहले सबसे पहले आप इस्तांबुल आएँ और इस्तांबुल को विजिट करें। अभी हम आया सोफिया के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत रश है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। सो लेट्स सी हम पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते। एक ट्राई तो बनता है, इतनी दूर आए हैं। सो लेट्स सी इफ वी कैन गो इनसाइड और नॉट। टर्की में जितने भी मास्क हैं उनमें अंदर जाने के लिए ये मैंडेटरी है कि आप दुपट्टा पहने या स्कार्फ पहने। इवन इफ़ यू आर इंटरनेशनल, इफ़ यू आर नॉट मुस्लिम, बट यू हैव टू वियर द स्कार्फ। सो हमने भी स्कार्फ पहन लिए हैं और लेट्स सी, हम मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है आया सोफिया में, और लेट्स सी कि ये एक्सपीरियंस कैसा जाता है। yes, finally, और ये
जेंट्स की भी लंबी लाइन है, सो वी विल गॉट एंट्री सून। लेकिन जेंट्स की काफी लंबी लाइन है, अंधेरा है, नजर नहीं आ रहा, लेकिन स्टिल गाइस, सो फाइनली हम लोग मॉस्क के अहाते में हैं, आया सोफिया मॉस्क, और अंदर जाने की फुल तैयारी है। वी आर इनसाइड द आया सोफिया मॉस्क, और आया सोफिया मॉस्क जो है वो काफ़ी सालों तक एक चर्च था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और सच कहते हैं लोग कि इस्तंबुल आए और आया सोफिया ना आए तो क्या खास इस्तंबुल आए। तो जब भी इस्तंबुल आए आया सोफिया को ज़रूर विज़िट करें, काफ़ी चेंज हो चुका है। और जब पहले चर्च था तो उसका लुक काफ़ी डिफरेंट था, और अब जब ये चर्च को मॉस्क में कन्वर्ट किया गया है तो आया सोफिया का लुक काफ़ी डिफरेंट है, और काफ़ी चीज़ें इन्होंने हाइड भी की हुई हैं। जीसस क्राइस्ट की पिक्चर्स लगी हुई थी, मदर टेरेसा की पिक्चर्स थी, वो सारी इन्होंने हाइड कर दी हैं, और क्योंकि अभी मॉस्क है तो इसलिए वो सारी चीज़ें अभी हाइड हैं। शाम से लेकर रात तक इतना बिजी स्केड्यूल होने के बाद हमें लगी ढेर सारी भूख, तो हमने सोचा कि जब तक डिनर पर पहुँचें उससे पहले क्यों ना थोड़ा बहुत खा लें। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये आपको सिर्फ टर्की में मिलेगी, और इसको फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया तो मुझे इसका टेस्ट कुछ गाजर जैसा लगा, लेकिन ये बहुत अच्छा था और लाइट भी था। टर्किश स्वीट्स भी वर्ल्ड फेमस हैं और बहुत ही लजीज होती हैं खाने में, तो हमने कुछ टर्किश स्वीट्स भी ट्राई की। और टर्किश स्वीट में आपको मैं बताती चलूं कि बकलावा इज़ द मोस्ट फेमस टर्किश स्वीट और वर्ल्ड फेमस है, और इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ भी हैं, लेकिन इसलिए आप जब भी टर्की आएँ तो टर्किश स्वीट्स ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली बकलावा ज़रूर ट्राई करें और अपने प्यारों के लिए ले जाएँ। और फिर एज़ यूजल गर्ल्स कोई चीज़ देखें और ना लें, हो ही नहीं सकता। हेलो गाइस, नेवर मिस एनी अपडेट्स, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल।